Hey days and bros, so welcome back to another vlog. और हम लोग कोलकाता टू दार्जिलिंग के लिए ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. बाकी सब आप लोग तो देखते ही रहोगे आगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू ट्रेवल विथ योर पेट. जो यहाँ पे पसर के बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं, बस बाहर जाना है, क्यों पता नहीं. ठीक है, सो उसकी पूरी डिटेल्स आप अभी देख सकते हैं. सो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाले है और काफी इन्फॉर्मेटिव. सो जो लोग अपने डॉग के साथ ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं इन इंडिया, सो ये वीडियो उन लोग के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव है. बिकॉज रिसेंटली हम लोग भी अपने फैमिली के संग, फुल फैमिली प्लस सिंजू जो मेरा एक पेट है, सो उसके साथ हम लोग ने रिसेंटली दार्जिलिंग ट्रैवल किया. एंड काफी जगह से मेरे को काफी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ा, गूगल, IRCTC वेबसाइट, प्लस बहुत सारी वीडियोस देखा, शॉर्ट्स देखा, तब जाके मेरे को प्रॉपर एक पता चला. क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टाइम था तो मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है. सो ये वीडियो पूरा देखना जिसको जिसको इसकी जरूरत है. और होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना, प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर ट्रैवलिंग आपके पेट का प्रॉपर वैक्सीन हो जाना चाहिए. सो वाइल ट्रैवलिंग उसका कोई डेट नहीं होना चाहिए वैक्सीन का. लाइक सोचो हम लोग ने किया था 22-28 विच इज 8 डेज अराउंड, सो उसके बीच में उसका कोई वैक्सीन नहीं होना चाहिए. तब तक के लिए सारा वैक्सीन डन होना चाहिए. जैसे कि सिंजू वो अभी 3 ईयर्स का है, सो अभी उसको हर 1 साल या 6 मंथ्स के बीच में लगता है. आपके पास भी होना चाहिए ऐसा एक वैक्सीन कार्ड. सो उसमें प्रॉपर डेट विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑलरेडी होना चाहिए. उसका जेरोक्स लगेगा, प्लस ओरिजिनल भी आपको कैरी कर लेना चाहिए आपके संग बाई चांस अगर कहीं ज़रूरत पड़े. सेकेंड, आपके पास फर्स्ट क्लास AC का टिकट बुक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 जन ट्रैवल कर रहे हो प्लस आप लोग का पेट, सो आप लोग के पास एक कूप होना बहुत ज़रूरी है. सो आपको बहुत मैंडेटरी होगा ईमेल करना रिजर्वेशन ऑफिस को, सो दैट उन लोग को पता रहे कि आपका ऐसा टिकट है फर्स्ट क्लास में, प्लस आपके संग एक पेट ट्रैवल कर रहा है. सो आपको वो श्योरली एक कूप अलॉट करके रखे. सो हम लोग के केस में ऐसा था कि हम लोग 6 पीपल्स थे. कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए हम लोग ने बुक किया फर्स्ट क्लास. सो हम लोग को ऑलरेडी जब रिजर्वेशन अलॉट हुआ तो हम लोग को एक केबिन एक कूप हो चुका था, तो सो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस जगह पे. तो आप लोग के पास एक ऐसा फिटनेस कम ट्रैवल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जो कि आप अपने नियरेस्ट कोई भी वेटरनरी से करा सकते हो. उनको आपको जस्ट जाके बोलना है कि मेरे को अपने डॉग के लिए ट्रैवल सर्टिफिकेट चाहिए. सो वो आपसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, बेसिकली कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन में किसका नाम होना चाहिए, कितना दिन के लिए ट्रैवल कर रहा है, उसको अभी कोई इशू है कि नहीं, उसका वैक्सीन डन है कि नहीं, डॉक्टर सब देख के एक लेटर टाइप लिख के देंगे जो कि कुछ इस तरह होगा, प्लस डॉक्टर का साइन वगैरह रहेगा, प्लस आपका डेट ऑफ ट्रैवलिंग प्लस डेट ऑफ रिटर्न, बोथ आपके पास टिकट होना चाहिए. क्योंकि डॉक्टर वो चीज़ मेंशन करेंगे अपने सर्टिफिकेट में, प्लस आपके डॉग का कलर, प्लस आपके संग कौन ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज जो ट्रैवल कर रहा है उनका नाम उसमें होगा सर्टिफिकेट में, प्लस उनका ही आधार कार्ड आगे जाके सबमिट होगा, वो आगे मैं आपको बताता हूँ. ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद आपको जस्ट वेट करना है. आपका डेट ऑफ ट्रैवलिंग जिस दिन है उस दिन 4 आवर्स पहले आपके पास चार्ट आएगा. आफ्टर चार्ट आपके पास अलॉट हो जाएगा कूप और केबिन. तो चार्ट आने के बाद आपको जाना है क्लॉक ऑफिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग टिकट मांगेंगे आपसे, तो आपको टिकट अपना शो करना पड़ेगा, प्लस उनको बताना पड़ेगा मेरे संग ऐसा एक डॉग है. तो आपसे वो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे ट्रैवल सर्टिफिकेट, प्लस उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट, देन कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, फिर आपसे अलॉटमेंट के लिए, फिर आपका फर्स्ट क्लास टिकट मांगा जाएगा जिसमें वो चेक करेंगे कि आपको कूप और केबिन अलॉट हुआ है कि नहीं. टिकट जो SMS के थ्रू आता है उसमें मेंशन नहीं रहता आपको कूप हुआ है कि केबिन, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. क्लॉक ऑफिस से एक जन आपको लेके रिजर्वेशन ऑफिस जाएंगे, वहां पे वो चेक करेंगे आपको केबिन और कूप मिला है कि नहीं. अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी एक है, के बाद वो आपको लेके आएंगे, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करेंगे. और सारे फॉर्मेलिटी होने के बाद आपको ऐसे एक डॉग का टिकट दिया जाएगा. तो ये आपके पास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको TT को ये चीज दिखाना है, तभी वो आपको अलाउ करेंगे आगे जर्नी के लिए. तो मेरे को ये कुछ पड़ा 360 रुपीज समथिंग, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट पूरा था. तो ये डिफर करता है आपका कितना स्टेशन है, उसके हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे. प्लस आपको कुछ कुछ यहाँ पे मैं नाम दिखा दे रहा हूँ, ये मेडिसिन आपको कैरी करना बहुत जरूरी है, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है. यहाँ पे कुछ कुछ मैंने मेंशन किए हैं, जरूरी नहीं आपको वही यूज करना है. आप जो रेगुलर यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लाइक ऐसे लूज मोशन, वॉमिट, प्लस उसका फीवर का जो भी नेसेसरी मेडिसिन है वो सब आपको कैरी करना चाहिए, प्लस एक बाउल, प्लस एक लीज जो आपके पास होना ही चाहिए. एंड देन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप, जैसे हम लोग ने यहाँ पे सिंधु को वॉक कराया एंड उसको हम लोग ने पूप करने का टाइम दिया, वैसे आप लोग भी उसको पहले जाके वॉक करने का टाइम दीजिएगा. आप उसको फोर्स मत कीजिए कि अभी जल्दी से जाना ये, बिकॉज उन लोगों को वेदर चेंज की वजह से हो सकता है कि वो लोग थोड़ा इल फील करे. एंड वन मोर डिस्क्लेमर, जैसे कि वापस आते टाइम न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता आते टाइम हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज हम लोग का टिकट कन्फर्म नहीं था. मैं कोलकाता से जाते टाइम मेरे को ऑलरेडी कूप और केबिन दोनों में से कुछ एक हो चुका था, प्लस हम लोग ऑल मेंबर्स हम लोग के ही थे, सो हम लोग को कोई इशू नहीं हुआ. प्लस
ईमेल वाला चीज मेरे को आइडिया नहीं था, ये मेरे को बाद में पता चला वहां से। रिटर्न आते टाइम हम लोग के साथ ये हुआ कि हम लोग सारे जितने बुकिंग्स थे वो अलग अलग अलॉट हो गए क्योंकि उन लोगों के सिस्टम में कुछ एरर था। सो आते टाइम सिंजू का टिकट इशू नहीं किया क्योंकि हम लोग के पास ना कूप था ना केबिन था, और उन्होंने बोला था आप जाइए, अगर टीटी मान जाता है फाइन लेके तो ओके आप ट्रैवल कर सकते हैं, प्लस आपको अपने को पैसेंजर को भी मनाना पड़ेगा कि उनको कोई दिक्कत ना हो। सो लकीली ऐसा हुआ कि हम लोग एक्सचेंज करने के बाद एक केबिन में हम लोग को 3 सीट्स मिल गए, ऑलरेडी 2 थे प्लस एक जन के संग एक्सचेंज करने की वजह से हम लोग को 3 मिल गए, प्लस एक और सीट किसी और का था, उनको कोई इशू नहीं था संजू से बिकॉज वो बहुत स्मॉल डॉग है, वो अपना चुपचाप सो रहा था, बैठा था, कुछ डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था, तो वो मान गए थे, कोई इशू नहीं हुआ। फिर टीटी आया तो उनको बताया, प्लस उन्होंने फाइन भी नहीं लिया, हो सकता है कि उनका ये अलॉटमेंट उन लोगों का गलती है इसलिए नहीं लिया, बट नेसेसरी नहीं है कि हर बार ये चीज़ हो। मेरे संग लकीली ऐसा हुआ, हम लोग सेफली आ गए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, बट आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ईमेल मैंडेटरी है, अब ईमेल दे दोगे तो आपको कूप मिलना एकदम मैंडेटरी है, आप लोग को अलॉट होगा ही, तो आप लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो मैं कितना मेहनत करता हूँ। और क्या था, हाँ तो कल सुबह हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी, 9 बजे का है एस्टिमेट, बट मेरे को लगता है लेट ही होगा। ट्रेन का नाम है पता देख, और बाकी सब आप डिटेल्स आप देख ही लेना, ठीक है। अभी हम लोग जिसमें है वो कूप है जिसमें 2 सीट होती है और पास में हाउ टू ट्रेवल पेट में मैंने बता दिया, तो बकवास से कट तो दिखाएगा कैसे। और दूसरा वाला जो है उसमें मम्मी पापा लोग है जिसमें 4 सीट है, अभी तुम जाके खाना खा लो, बाद में आके बसे आना, ठीक है। खाना खा के जाओ, ट्रांजिशन मारो खाना खाने का। वो बोला था मच्छर का वो दे दो, नहीं लगा गया ये, मतलब उलट पुलट करने लगा। अरे वो क्या हुआ, इसको बाहर ले जाते हैं मच्छर का लगा। तो कल सुबह हम लोग 9 बजे जलपाईगुड़ी में उतरेंगे, ठीक है। सो ट्रेन तो लगता है एस्टिमेट है कि लेट ही होता है, और अगर ऑन टाइम हो तो बहुत अच्छा। और वहाँ से हम लोग का गाड़ी ऑलरेडी प्री बुक्ड है, हम लोग का ड्राइवर आएगा, हम लोग को पिक करेगा, वहाँ से हम लोग दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में हम लोग रुकने वाले हैं तिस्ता रिवर, जो कि कैंप है तिस्ता कैंप। सो वो डिटेल्स आप लोग को मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। Now it's time to smile. ओ मेरे को लगा तुम बम क्यों दिखा रहे हो। It's time to smile. It's time to smile. मम्मी लग रही है रेड हाइडिंग वुड उसका नाम था प्राची, हाँ रेड हाइडिंग वुड। तो अभी सिंधु का चल रहा है पुपू सेशन, अभी उसको पूरा स्टेशन घुमाएंगे जिससे कि वो थोड़ा सुसु कर ले, पॉटी कर ले, और उसके बाद हम लोग एग्जिट करके गाड़ी पकड़ते हैं। सिंधु चलो पुपू सेशन। सिंधु को अपना पुपू मिल गया, सिंधु पुपू करेगा, मिल गया मिल गया, लौटने को मिल गया। सिंधु दिखा दो कैसा किया है। हाँ साफ कर दे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नाउ द डिसीजन, उसका पॉटी एनल वाइप कौन करेगा। चलो सिंधु प्राची ही करेगी उसको पॉटी। सब पहुँच देंगे, जब जगह लाएंगे हाँ। खुला खुला जगह है हाँ। वॉक भी करा रही है, भी नहीं है हाँ। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, ऐसे रिवर पॉइंट व्यू है, आप जब ऑन वे हो कालिंगपोंग या तिस्ता रिवर के लिए हाँ। ये सारा रूट उधर ही जाता है, ठीक है। सो तब आप लोग ऐसे एंजॉय कर सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है ना पानी, वादियों में सात समुद्र पार। सब अपने मम्मी को लेके आया करो ऐसे घुमा कर। ये पेड एक्टर बहुत ओवर एक्टिंग करती है, 50 रुपए काटो इनके पैसे। सो हम लोग आ चुके हैं फाइनली तिस्ता रिवर कैंप, और यहाँ पे काफी बियर का बॉटल दिख रहा है, नाइट प्लेच। तो थोड़ा तो एडवेंचर करना पड़ेगा, वॉशरूम के लिए ऊपर जाना पड़ेगा और बाकी सोने के लिए नीचे, सामान भी ऊपर रखना पड़ेगा, और आपको कुछ भी सामान चेंज करना है कुछ भी करना है सब ऊपर कैंप में, बस आप सो सकते हो, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग फिशिंग वगैरह सब कुछ होता है, और जो करना करो। प्लस यहाँ पे ऐसा भी सीन है कि अभी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि जो हम लोग के संग ड्राइवर थे वो बोले कि रेनी सीजन में पानी एकदम ऊपर तक चला जाता है, बट यहाँ पे अभी के लिए पानी बहुत कम है। और मैंने वाइट शू पहना है पता नहीं क्यों, और मेरे को अभी ये खोलना पड़ेगा। हम लोग से ज्यादा तो सिंजु मजे कर रहे हैं। सिंजु मजे आ रहे बेटे। सिंजु मोना का है? सिंजु मोना के पास चलो। सिंजु मोना के पास। आ तेरी लड़के जो मजे ले रहा है, मजे तो यही कर रहा है। ओ भाई आज पूरा गंदा होगा, चला गया। सो अब ये व्लॉग किसके में जाएगा, तेरे में या मेरे में? दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, धंधा ही तो है बेटा। हां उधर भी परफ्यूम लगा रही है।
हम लोग जाने वाले रिवर राफ्टिंग और वो है 300 पर पर्सन, पापा नहीं जाने वाले, बाकी हम लोग सब जाएंगे। और एक ऊपर से होता है वो कुछ बोले पता नहीं, बट वो नहीं करेंगे, वो थोड़ा डेंजरस है। ये वाला नॉर्मल फैमिली वाला है, रिवर राफ्टिंग नहीं, बोटिंग बोल सकते हैं, वो बोट में जस्ट ऐसे। बट रिवर राफ्टिंग करना तो ऊपर से नीचे लेके आएगा, हम लोग कर सकते हैं, वो नहीं करने वाले। छोटा कैसा लग रहा है, तुम ब्लाउज पहना है? Are you all ready? Ready, 1, 2, 3, yay! ओह अच्छा। कौन सा गाना? बिट्टू आ गया है, क्योंकि पापा ने 5 बार बाउंस किया है, तो बिट्टू बोला वो 10 बार बाउंस करेगा। ये बिट्टू का 5। दो हुए, दो दो तीन 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 हुआ, चला गया, तीन दिख रहा है, ऊपर होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी ऐसी भी आरजे साहिल सिंह के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बीच की कहानी। सो वी आर स्टक इन अ वेरी वेरी डेंजरस वेरी पथेटिक रेनफॉल और हम लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग के पास कैमरा है रिकॉर्ड करने के लिए, और ये व्लॉग भी कुछ दिन बाद आएगा, तो आप लोग मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, तो कैंपिंग वगैरह खाना पीना खा चुके हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 10 बजे है, तो अभी हम लोग जाकर सो जाएंगे। सब कैंप पे घुस चुका है, वहाँ पे पास में प्रियंका दी मम्मी, वहाँ पे दादी पापा और हम लोग यहाँ पे है। और हम लोग, और मैं तो ये दिखाने भूल गया कि वाटर लेवल भी हाई हो गया, तो सुबह अगर ये व्लॉग अपलोड होगा इसका मतलब मैं सुबह कल उठाऊँ, और अगर नहीं होगा तो फिर तो आपको पता है क्या हुआ। वेस्ट इन पीस। तो अभी आप लोग से मैं कल सुबह मिलता हूँ और कैंप का अंदर का दिखाता हूँ और बाहर का दिखा दूंगा, शायद मैंने दिखाया है, पता नहीं। चलो बाय बाय।